हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ एलियन हैंड चैप्टर फाइव इसको समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्या इसमें बताया गया है। और काफ़ी सिंपल चैप्टर है तो हम समझ लेते हैं, शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है गोलू ग्रोज अ नोज। गोलू यहाँ पर एक हाथी के बच्चे का नाम है और उसकी जो नोज है वो किस तरह से बड़ी होती है, ग्रो करती है, तो वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो पहले पॉइंट्स हैं, देयर वॉज अ टाइम वेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। और एक समय था, इसका मतलब एक समय था जब एलिफेंट के क्या नहीं होते था, ट्रंक नहीं होती थी, सूंड नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट, गोलू एक बेबी एलिफेंट था विद अ बल्गी नोज, उसकी जो नोज थी थोड़ी ओवरी हुई, बाहर निकली हुई थी। इस पुल अप क्वेश्चंस, तो जो गोलू था वो कैसा था, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रहा करते थे। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। और वो क्या करता है गोलू, लिम्पोपो नाम की रिवर पर, नदी पर आता है क्रोकोडाइल्स की ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता करने के लिए कि वो क्या खाता है, इस तरह का जो पता करने के लिए वो कहाँ जाता है, लिम्पोपो रिवर पर, लिम्पोपो रिवर पर आता है। कौन जाता है, गोलू। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, जो काफ़ी समय पहले एलिफेंट की कोई जो सूंड नहीं हुआ करती थी, ट्रंक नहीं हुआ करती थी। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज, तो फिर उनको क्या होता था, एक बल्गी एक ओवरी हुई नोज हुआ करती थी। एज बिग एज अ बूट, और एक बूट मतलब एक शूज, जो जूता है, फुटवेयर, तो उसके जितनी बड़ी हुआ करती थी, थोड़ी सी बाहर निकली हुआ करती थी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, और इसे वो थोड़ा सा विगल मतलब हिलाना, थोड़ा सा हिला पाते थे साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी थोड़ा सा हिला ले लेते, बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट, लेकिन इससे वो कोई सामान नहीं उठा सकते थे जैसे अब उठा लेते हैं। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, और एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम क्या था, गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज, और उसकी भी ट्रंक नहीं थी, सूंड नहीं थी, सिर्फ उसकी एक थोड़ी सी उभरी हुई बल्गी नोज थी। एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट, और एक छोटे जूते जो बूट की तरह थी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे। ही आस्ट हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, उसने अपनी जो ऑस्ट्रिच आंट उससे पूछा, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, अर्थात तुम दूसरे चिड़ियाओं की तरह, बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ती हो, ऑस्ट्रिच जो पंछी उड़ नहीं पाता है। देन ही आस्ट हिज टॉल अंकल द जिराफ, फिर उसने जिराफ से पूछा, व्हाट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी, सो स्पॉटी, तुम्हारी जो स्किन है त्वचा है वो इतनी धब्बेदार क्यों है, स्पॉटी क्यों है। ही आस्ट हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, और हिप्पोपोटामस से उसने क्वेश्चन पूछा गोलू ने, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, तुम्हारी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती है। ही आस्ट हिज हेयरी अंकल द बैबून, और उसने बैबून से पूछा, व्हाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, जो मेलन्स है खरबूज हैं तो उनके खरबूजे जैसा टेस्ट क्यों होता है। तो बहुत ही जो है अनोखे एक नॉनसेंस क्वेश्चंस वो पूछता रहता था। द ऑस्टेज द जिराफ द हिप्पोपोटामस एंड द बैबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस, और जिनसे भी वो क्वेश्चंस पूछता है इन सबसे, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता, गोलू के क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं होता। गोलू इज़ अ नॉटी बॉय दे सैड, और वो क्या कह देते थे कि गोलू कैसा है, कैसा बेबी है, नॉटी बेबी है। ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है, जिससे वो पूछता वो कह देते है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बश। एक दिन क्या हुआ कि गोलू की मुलाकात एक मैना से हुई जो एक बश मतलब झाड़ियों के बीचों बैठी हुई थी। एंड ही आस्टर, और गोलू ने उससे पूछा, व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ डिनर में क्या खाते हैं। द मैना सेड, मैना ने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट, मैना ने कहा कि तुम एक काम करो, जो लिम्पोपो रिवर है, ग्रासी मतलब वहाँ घास है काफ़ी सारी, वहाँ चले जाओ और खुद पता लगाओ क्या खाते हैं। गोलू वेंट होम, गोलू घर गया। ही टुक 100 शुगर केन्स, उसने जो करीब 100 गन्ने लिए, 50 dozen बनानास और करीब 15 dozen बनानास लिए, एंड 25 मेलन्स और 25 खरबूज लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, और उसने अपनी फैमिली से गुड बाय बोला, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और उसने कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जो लिम्पोपो रिवर है वहाँ जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, और मैं ये पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ डिनर में क्या लेते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, और उसने क्रोकोडाइल कभी देखा भी नहीं था।
एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, और उसे ये भी नहीं पता था कि वो कैसा लगता है, कैसा दिखता है। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, उसे एक पाइथन मिला, पाइथन तो अजगर मिला, और उससे पूछा हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, और मगर उससे गोलू ने उस पाइथन से पूछा कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वो डिनर में क्या लेते हैं, क्या लेता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, और जो पाइथन था अजगर था, उसने जो पेड़ की जो ब्रांच थी उस पर से अपने आप को अनकॉइल किया, अनकॉइल मतलब लिपड़ा हुआ था, तो वहाँ से अपने आप को जो है हटाया। गोलू पोलाइटली, लेकिन उसने बोला कुछ नहीं, उसके बदले में कोई जवाब नहीं दिया। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम, और गोलू ने फिर दोबारा से उसे जो है लिपटने में उस ब्रांच से मदद की और उससे गुड बाय कह करके वहाँ से चल दिया। अब ये तीन पॉइंट्स में क्या कह रहा है, गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, गोलू क्रोकोडाइल से उस मगरमच्छ से आमने सामने मुलाकात होती है गोलू की। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट, और जब गोलू को मदद पड़ती है तो उसे पाइथन की मदद मिलती है, अजगर की मदद मिलती है। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, और ग्रोजू जो गोलू की जो नोज थी वो लंबी हो जाती है और बहुत ही यूजफुल हो जाती है। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू जो है फिर चलता गया वहाँ से, ईटिंग शुगर केन्स, और जो शुगर केन्स जो गन्ने लाया था वो खाता रहा, बनानास खाता रहा, एंड मेलन्स जो खरबूज लाया था वो खाता रहा। आफ्टर फ्यू डेज, और कुछ दिन बाद, ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और कुछ दिन बाद वो कहाँ पहुँच गया, उस लिम्पोपो रिवर पर पहुँच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ लॉग ऑफ वुड, और उस बैंक के किनारे उसने एक उस मतलब उस नदी के किनारे, बैंक के किनारा, तो उस नदी के किनारे उसने क्या देखा, एक लकड़ी का गट्ठर देखा, लॉग, लॉग होता है जो है लॉग वो डरता है, लकड़ी का कोई गट्ठा बड़ा होता है, तो लकड़ी का एक गट्ठा देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, और ये लॉग ऑफ वुड नहीं था, ये कौन था, क्रोकोडाइल था, और जो उस पर विंक कर रहा था, विंक मतलब पलक झपकाना या आँख मारना एक तरह से, तो पलक झपका रहा था कौन, क्रोकोडाइल, किस पर झपका रहा था, गोलू पर। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू ने कहा एक्सक्यूज मी मतलब क्षमा करें, किसी को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं तो एक्सक्यूज मी बोलते हैं। हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल से क्रोकोडाइल को देखा है, ये कौन किससे पूछ रहा है, गोलू क्रोकोडाइल से पूछ रहा है, ये तो मरने के काम कर रहा है, देखो कहाँ पहुँच गया, क्रोकोडाइल के पास जा कर के और उससे पूछ रहा है क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, क्रोकोडाइल ने दोबारा से पलक झपकाया, एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और अपनी उसने आधी पूंछ करीब उस मड में से, कीचड़ में से उठाई। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा यहाँ आओ। व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, गोलू ने जो है वो उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ, ये क्रोकोडाइल ने कहा आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, और जो है क्रोकोडाइल ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू सो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और उसने जो मगरमच्छ के आंसू भी बहाए, मगरमच्छ के आंसू मतलब झूठे आंसू बहाए, ये दिखाने के लिए कि हाँ वास्तव में वो क्रोकोडाइल ही है। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू जो है डरा हुआ था, बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, और लेकिन वो उस किनारे पर, नदी के किनारे पर बैठ गया और कहा यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, मतलब मैं तुम्हें ही तलाश रहा था। यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर मतलब मैं तुम्हें ही तलाश रहा था। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, मुझे बताओ कि तुम डिनर में क्या लेते हो। ये कौन किससे कह रहा है, गोलू उससे क्रोकोडाइल से पूछ रहा है, कह रहा है कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा मेरे पास आओ और जो जवाब है मैं तुम्हें कान में बताऊँ। विस्पर का मतलब है धीमे से कुछ कहना कान में, उसने कहा मैं तुम्हें विस्पर करूँगा, कान में बताऊँगा, बहुत धीमे से बताऊँगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट, और जो है गोलू ने अपना हेड मतलब सर कहाँ रख दिया, क्रोकोडाइल के मुंह पर, स्नाउट मतलब नोज जो होती है या माउथ, तो वहाँ अपना हेड रख दिया गोलू ने। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और क्रोकोडाइल ने उसको गोलू को उसकी नाक से पकड़ लिया, उसकी नाक पकड़ ली, किसकी, गोलू की, किसने, क्रोकोडाइल ने। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा
मुझे लगता है टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, कि आज का जो डिनर कौन बनेगा, बेबी एलिफेंट मतलब गोलू। ये कौन कह रहा है? क्रोकोडाइल। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। गोलू एकदम चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। गोलू एकदम चिल्लाने लगा। देखो गोलू को ये नहीं पता ये खा जाएगा। आप जा सकते हो ऐसे क्रोकोडाइल के पास में? नहीं पहुँच पाओगे, जाना भी मत, दिस इज़ वेरी डेंजरस। द पायथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, और पायथन मतलब जो अजगर जो गोलू को फॉलो कर रहा था, गोलू को पीछे पीछे ही आ रहा था, केम टू द बैंक, वो उस नदी के किनारे आया एंड सैड, और उसने कहा इफ यू डू नॉट पोल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम। और पायथन ने गोलू से बोला कि अगर तुम जो है जितनी शक्ति तुम्हारे अंदर है उतनी पूरी ताकत के साथ अगर तुम अपने आप को नहीं खींचते हो तो क्रोकोडाइल तुम्हें पानी में जो स्ट्रीम है जो धारा है जल की उस समय ड्रैग कर लेगा, खींच ले जाएगा, क्रोकोडाइल खींच लेगा गोलू को अगर गोलू पूरी ताकत से नहीं खींची अपने आप को। गोलू सेट बैक ऑन इज लिटिल हंसिस एंड पुल्ड। गोलू जो है बैठ गया और वो खींचता रहा अपने आप को बचाने के लिए। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इन टू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ इज टेल। और जो क्रोकोडाइल था वो जो है पानी में और फिसलता गया, स्लिप होता गया, और जो पूंछ से अपने आप को वो स्वीप करता गया, स्वीप मतलब जो है झाड़ना एक तरह से, साफ करना, और अपने आप को जो है वो क्रीमी एक तरह से एक ऑयली बनाता गया। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वो भी अपने आप को खींच रहा था क्रोकोडाइल पानी के अंदर। देन द पायथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सैड। फिर पायथन ने क्या किया कि गोलू के जो पेट है उसमें अपने आप को कॉइल कर लिया, मतलब अपने आप को लपेट लिया। लेट्स पुल हार्डर, गोलू डग इन ऑल इज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड। और जो पायथन ने कहा मतलब पायथन ने उसके स्टमक पर पेट पर जो आप जो क्या लपेट लिया अपने आप को, और फिर उसने कहा कि लेट्स पुल हार्डर, चलो जोर से खींचते हैं। और गोलू ने अपने जो पैर थे चारों वो एकदम उस मड में कीचड़ में जो धसा लिए एंड पुल्ड और खींचा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, जो नोज थी गोलू की वो स्ट्रेच होती रही, स्ट्रेच मतलब खिंचती रही। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर, और जब भी जो खींचा जाता तो जो उसकी नोज थी वो बढ़ती गई, लॉन्गर एंड लॉन्गर मतलब उसकी नोज थी वो बढ़ती गई, जैसे ही जोर लगा के खींचते तो उसकी जो नोज थी नाक थी वो लंबी होती जाती। एंड इट हर्ट गोलू, और इससे जो गोलू को बहुत चोट पहुँच रही थी, दर्द हो रहा था, हर्ट हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, और अब जो नोज थी वो करीब कितनी बड़ी हो गई, 5 feet, 5 feet लंबी हो गई। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, और आखिरकार वो फिर जो है फ्री हो गया, मतलब उससे क्रोकोडाइल से छूट गया। गोलू सेट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ, और जो गोलू फिर नीचे बैठ गया और अपनी जो नोज थी नाक थी वो उसने क्या कर ली, एक बनाना के पत्ते में जो है केला का पत्ता बड़ा होता ही है तो उसमें उसको लपेट लिया ताकि उसे दर्द हो रहा हो उससे थोड़ा कम हो। हंग इट इन द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और लिम्पोपो रिवर में उसे जो है लटका लिया पानी में ताकि वो थोड़ा सा कूल हो जाए, उसे दर्द कम हो। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक, और गोलू वहाँ करीब 2 दिन तक बैठा रहा अपनी नोज को कूल और श्रिंक करने के लिए। कूल मतलब ठंडा हो जाए, दर्द कम हो, सही हो जाए, तो ये करने के लिए, और वो सिकुड़ जाए, श्रिंक हो जाए, तो ऐसा करने के लिए वो 2 दिन तक वहाँ इंतजार करता रहा कि नोज जो द्वारा से वैसी हो जाए। हालांकि वो चाह नहीं रहा था लेकिन सोच रहा था कि खिंच गई है तो द्वारा से हो जाएगी और कूल हो जाएगी, सही हो जाएगी। इट ग्रू कूल, वो कूल तो होगी, ठंडी तो हो गई, मतलब सही तो होगी, दर्द नहीं होने लगा। बट इट डिडंट श्रिंक, लेकिन वो जो श्रिंक नहीं हुई, सिकुड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और जो है दूसरा दिन जब समाप्त होने वाला था, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, और एक मधुमक्खी आई, फ्लाई आई और उसने जो है मधुमक्खी के शोल्डर पर कंधे उसके गोलू के शोल्डर पर उस मधुमक्खी ने काट लिया। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और गोलू ने फिर क्या किया, अपनी लंबी जो नोज थी, ट्रंक थी, सूंड थी, वो उठाई और उस फ्लाई को, उस मधुमक्खी को मार दिया।
एडवांटेज नंबर वन हिज द पाइथन, तभी पाइथन ने बोला कहा कि जो ये एडवांटेज नंबर वन है तुम्हारी ट्रंक का, जो नोज का, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल वन। और जो पाइथन ने कहा कि तुम इस जो है ऐसा पहले नहीं कर पाते थे जब छोटी नोज थी तब। गोलू पुट आउट इज ट्रंक एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने फिर क्या किया खाने के लिए, उसने क्या किया कि जो है अपनी ट्रंक को थोड़ा सा फैलाया और जो है प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और जो एक बड़ी मात्रा में घास उसने अपनी सूंड में इकट्ठी कर ली। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोरलेग्स, और उसने अपने आगे के पैरों के सहारे उसको क्या किया, उसमें से धूल को झड़ाया, ठीक, उसमें से धूल को निकाला, जो घास ली उसने, ग्रास ली, उसमें से धूल को उसमें से झड़ाया, हटाया। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में उसे जो भर लिया। स्टफ का अर्थ है जो है बिना चबाए यूं ही जो है भर लेना। बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ भी एकदम भूख लगी है, खाना है, तो वो यूं ही भरते आते हैं, पकोसते आते हैं एक तरह से, तो उसे स्टफ बोलते हैं, बिना चबाए यूं ही जो मुंह में भर लेना उसे बोलते हैं स्टफ। तो गोलू ने क्या किया, डस्ट उसमें से हटाई, घास में से, और उसे अपने मुंह में भर लिया घास को। एडवांटेज नंबर टू हिज द पाइथन, और पाइथन ने कहा ये तुम्हारा एडवांटेज नंबर टू रहा घास खाने वाला। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, और जब तुम्हारी नोज छोटी थी तो तुम इसे नहीं कर पाते। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, तो मैं नहीं लगता कि अब जो सन है, जो सूर्य है, वो बहुत गर्म है, अर्थात बहुत गर्मी हो रही है, तो मैं नहीं लगता। ये कौन कह रहा है, पाइथन कह रहा है गोलू से। और गोलू क्या करता है, गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू ने क्या किया कि कुछ जो है मड, कीचड़, स्कूप अप की, स्कूप अप का अर्थ होता है स्प्लैश करना, छिड़कना या उछालना। तो उसने जो है मड कुछ जो है स्प्लैश की, उछाली फ्रॉम द बैंक, जो किनारा था नदी का, वहाँ से, एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और उसे अपने हेड पर, सर पर उसे मतलब लगा लिया। एडवांटेज नंबर थ्री, और ये इसका कौन सा एडवांटेज रहा, तीसरा रहा, इज द पाइथन, पाइथन ने ऐसा कहा, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम जो है छोटी नोज से ये नहीं कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, और गोलू ने बहुत ही ग्रेटफुली जो है कृतज्ञतापूर्वक ये कहा कि थैंक यू, धन्यवाद पाइथन, मिस्टर पाइथन, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, मैं ये सब जो है याद रखूँगा और अब मैं अपने परिवार के पास वापस जाऊँगा। ठीक, तो ये एक छोटा सा ही चैप्टर रहा, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, और आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये चैप्टर आ गया होगा। फिर भी आप बुक में ज़रूर पढ़ें, कुछ वर्ड्स में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप चेक कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ subscribe to my channel and share also, so that you could get all the upcoming videos as soon as possible. Thank you.